इन्फोसिस लिमिटेड जो कि इंडिया का चौथा ऐसा कंपनी है जिसने कि 100 बिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन को अचीव किया 24 अगस्त 2021 में। आज हम इन्फोसिस लिमिटेड के फाउंडर एनआर नारायणा मूर्ति के बारे में जानें कि कैसे एक सिंपल मिडिल क्लास बैकग्राउंड फैमिली का लड़का आज इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी बना देता है जिसका रेवेन्यू हर साल 10 बिलियन से ज्यादा लगभग हो रहा है। पिछली साल इन्फोसिस ने 16 बिलियन डॉलर जनरेट किया था। इंडियन करेंसी में बोले तो करीबन 1,23,936 करोड़। चलिए देखते हैं कि आखिर ये एनआर नारायणा मूर्ति है कौन। नागवाड़ा रामा राव नारायणा मूर्ति, जिनका जन्म 20 अगस्त 1946 में कर्नाटका के एक छोटे से टाउन सिडलाघाटा में हुआ था। एनआर नारायणा मूर्ति का पहला जॉब IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में एज अ चीफ सिस्टम प्रोग्रामर था। उन्होंने पहली बार शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम में एक बेसिक इंटरप्रेटर को इम्प्लीमेंट किया। फिर बाद में उन्होंने एक कंपनी भी शुरू की थी जिसका नाम उन्होंने सॉफ्ट्रॉनिक्स रखा था, जो कि फेल हो गया। कंपनी फेल होने के करीबन 1.5 साल बाद वो पैटनी कंप्यूटर सिस्टम इन पुणे जो कि महाराष्ट्र में है उसमें उन्होंने काम किया। मूर्ति एक और चीज मेंशन करते हैं, जब उन्हें अरेस्ट किया गया और एक्सपेल्ड किया गया बिना किसी अच्छे रीजन के, तो वो बाहर घूमने गए। वो बहुत कंफ्यूज थे अपने लाइफ को लेके कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन जब वो बाहर घूमने गए तो उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से जो वो फेल हुए थे एक कंपनी बना के दोबारा उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योर का कीड़ा जाग गया और वो वापस इंडिया आए और 1981 में 6 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को लेके उन्होंने इन्फोसिस बना दिया। इनिशियली उस वक्त इन्फोसिस को बनाने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत थी, जो कि उन्होंने अपनी वाइफ सुधा मूर्ति से। सुधा मूर्ति एक बिजनेस वुमेन है, एक एजुकेटर है और एक ऑथर है और चेयरपर्सन है इन्फोसिस फाउंडेशन की। मूर्ति के 2 चिल्ड्रंस हैं, एक सन जिनका नाम रोहन मूर्ति है और एक डॉटर जिसका नाम अक्षता मूर्ति है। इन 2013 रोहन मूर्ति ने इन्फोसिस ज्वाइन किया एज एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू हिज फादर और मूर्ति ने जून 2014 में इन्फोसिस छोड़ दिया। इन 2009 अक्षता ने ब्रिटिश पॉलिटिशियन ऋषि सुनाक से शादी कर ली, जो कि पहले MP थे रिचमॉन्ड के, यॉर्कशायर के, और बाद में वो लीडर बने कंजर्वेटिव पार्टी के और आज वो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्फोसिस से रिटायर होने से पहले उन्होंने खुद को चेयरमैन अमेरिटस का टाइटल दिया और अक्टूबर 2022 में उनका नेटवर्थ 4.5 बिलियन का था, जिससे कि वो पूरे दुनिया में 654th richest person बनते हैं according to Forbes। Forbes एक American business magazine है जो कि एक साल में 8 magazines बनाती है। इन सभी चीजों के बाद NR मूर्ति 12 greatest entrepreneur के लिस्ट में भी आते हैं, जिसको कि पब्लिश किया था Fortune magazine ने और उन्हें कहा गया father of the Indian IT sector Time magazines के द्वारा। NR नारायण मूर्ति आज भी आने वाले generations को inspire कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि इन्फोसिस कैसे बना, नारायण मूर्ति कौन है, उनके कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको ये बायोग्राफी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं ऐसे ही बायोग्राफीज देखने में। अगर आपने ये काम कर दिया तो फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।